मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च किया गया था, अंग्रेजों को एक संदेश दिया गया था। आज देश में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, देश के कई हिस्सों में आतंकवाद छाया हुआ है, कई मुल्कों में हिंसा और तनाव का माहौल है। रूस यूक्रेन युद्ध शुभ संकेत नहीं है, विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। रात में चलने के लिए प्रयास है छोटे छोटे, आदानी मार्च की जो प्रोग्राम किया गया शांति व इन सब संकोच के माध्यम से, मैं समझता हूँ ये भी संदेश देगा पूरे प्रदेशवासियों को कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शांति मार्च निकाला गया, विश्व के अंदर शांति कायम हो। विश्व के अंदर ये मार्च निकलते हैं तो उससे जन भावना में एक भावना पैदा होती है जो गांधी ने दिखाई थी। आज भी युवा पीढ़ी को जरूरी है उनको बताएं हम लोग किस प्रकार से गांधी का मार्ग था, जिस मार्ग पे आप सबको चलने का आवश्यकता देश हित के अंदर है, ये मेरा निर्णय। हमें भी गांधी के मार्ग पे चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं, आज हिंदुत्व के नाम पे राजनीति हो रही है, हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराई पूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं, तो चतुराई से भाषण देना ही बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं। विश्व के अंदर शांति कायम हो, विश्व के अंदर आज जिस प्रकार यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ में जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। शांति का मार्ग ही मैं समझता हूँ देश और दुनिया के लिए हित के अंदर है। युद्ध के अंदर कितने लोग मारे जा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को नहीं मालूम है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है और मीडिया दबाव में है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार बोलते हैं, चतुराई पूर्ण बोलते हैं, चतुराई से भाषण देते हैं, वो एक पक्ष हो सकता है उनका। अब वो विपक्ष को आरोप लगाते हैं वो एजेंसियों को जो है बदनाम कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई में क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है कैसे छापे पड़ रहे हैं देश के अंदर एक तरफा, सबको मालूम है। वो उसको लेके भी विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, चतुराईपूर्ण रूप से भाषण देते हैं और लोग देखते भाई पता नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे वो सच्चाई होगी। आम जनता तक हमें पहुंचाना पड़ेगा सच्चाई को, तब जाकर के मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह बीजेपी वाले लोग भी एक्सपोज होंगे, सच्चाई सामने आएगी और मार्ग जो गांधी का था उस पर चल पड़ेंगे, ये मेरा मानना है। पूरा मीडिया देश का जो गोदी मीडिया कहलाता है वो दबाव के अंदर है, खुद मजबूरी में, जानबूझ करके अनजान में, ये तो वो तय करेंगे। पूरा मीडिया आज जिस प्रकार फोकस किए हुए हैं और पूरे चुनाव को फोकस किया, उससे माइंड बदला लोगों का, तो मीडिया का जो पर्दा है, पर्दा आपका मीडिया का स्क्रीन, उसका खेल था और साथ